आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है स्ट्रेट सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विद ए ट्यूनिंग फॉर्क। व्हेन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 1% नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज 5 देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये एक हमारे पास सोनोमीटर वायर था। सोनोमीटर वायर का इसका सेटअप ऐसा होता है। सोनोमीटर वायर का सेटअप ये, और यहाँ पे एक पुली होती है। यहाँ पे हम लोग वेट लटका सकते हैं और ये दो ब्रिजेज होते हैं, इनके बीच में हम लोग रस्सी की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रस्सी की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं तो बढ़ा घटा सकते हैं, कहने का मतलब ये, इसलिए हम लोग लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ओके तो और एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये चिमटे जैसा होता है ऐसा, जिसको हम लोग ऐसे 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 दबा के, ऐसे पटक के और फिर से ऐसे सुनते हैं तो वाइब्रेशन इसमें सुनाई देता है, जिसकी कुछ फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है। तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले इसकी और इसकी फ्रिक्वेंसी जो थी वो बिल्कुल मैच कर रही थी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग N1 मान लेते हैं तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी N1 ही थी इनिशियली। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, N1 की वैल्यू, अब N1 की, क्योंकि अगर ये अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन कर रहा है तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/12। ठीक है गाइस, और फंडामेंटल मोड में ये वाइब्रेट कर रहा है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/12। अब वी जो होता है किसी भी वायर स्ट्रिंग के लिए वो होता है √T/μ, टेंशन डिवाइडेड बाई वेट पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी तो स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वेलोसिटी स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है गाइज, चेंज जो होती है वो लेंथ हो सकती है फ्रिक्वेंसी का चेंज करने के लिए। तो यही बोल रहा है कि इनिशियली लेंथ जो थी वो कितनी थी, एल थी। अगर इनिशियली लेंथ जो थी वो एल थी तो फिर फ्रिक्वेंसी जो थी वो कितनी थी, N1। ओके, अब फाइनली जब हम लेंथ को 1% बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या गाइज, लेंथ को 1% बढ़ा दिए इसका मतलब कि L+L/100, ये फाइनल लेंथ L फाइनल हो गई, वो ये हो गई L+L/100, यानी कितनी हो गई 101L/100। इतनी लेंथ हो गई फाइनली 101L/100, इतनी लेंथ फाइनली हो गई। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, N2 हो जाती है। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं N2 हो जाती है, तो N2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/2, और L फाइनल की वैल्यू V/2L final, यानी V/2 एल फाइनल की वैल्यू लिख देते हैं 101L/100। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम लोगों के करना क्या है, N2/N1 अगर हम लोग करें, N2/N1, देखिए अगर N2/N1 हम लोग करते हैं तो देखिए ये V/2L कैंसिल आउट हो जाएंगे। V/2L क्या हो जाएंगे गाइज, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 100/101। ठीक है, N2/N1 करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 100/101 अगर इसको मैं डिवाइड करें तो। ओके, और जो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है हम लोग क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि 1% अगर लेंथ बढ़ा देते हैं तो 5 bits/s मिलता है हम लोगों को। इसका मतलब कि N2-N1 की जो वैल्यू है, बीट्स क्या होते हैं गाइस, जो दोनों के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो बीट्स के, उसको हम लोग बीट्स कहते हैं। तो N2-N1 की जो वैल्यू है, फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी N2 हो जा रही है, और इसकी तो N1 ही रहेगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं हो सकती। तो N2-N1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 5। ठीक है, N2-N1 5 है, N2/N1 100/101 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए N2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100N1/101। ऐसा अगर मैं लिख देता हूँ तो हम लोगों को ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो N2 की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, N2 की वैल्यू लिख दूंगा 100N1/101-N1=5। ये लिख सकता हूँ मैं। ओके, ठीक है गाइज, ओके। और इसका ये हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, इसका मतलब जो बड़ा होता है वो, ऐसा नहीं कि N2-N1 लिख दिया वैल्यू -5 आ गई तो -5 beat होगा, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बेसिकली गाइस, इसको ऐसे लिखते हैं N2 difference N1। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए हम लोग को वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, लेकिन अभी मैंने बोला कि नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, -5 bits/s कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, हम लोग उसको पॉजिटिव ही गिनते हैं क्योंकि वो नंबर होता है, पर सेकंड कितने बार हमें बीट्स सुनाई दे रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से नेगेटिव को हम लोग नेगलेक्ट करके और फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1/101=5।
यानी जो हमें N1 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 505 हर्ट्ज़। N1 की वैल्यू कितनी मिलेगी गाइस, 505 हर्ट्ज़। और N1 ही तो माना था हमने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, N1 ही माना था, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 505 हर्ट्ज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।